बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। आज असम के दौरे पर हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, और आपको बता दें गुवाहाटी में मां कामाख्या के उन्होंने दर्शन किए हैं। मुख्यमंत्री ने कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी उनके साथ ही नजर आए हैं, यहां पर पूजा अर्चना करते नजर आए। मां कामाख्या के चरणों में आने का सौभाग्य मिला, ये मुख्यमंत्री ने कहा। मां कामाख्या से हरियाणा के उज्ज्वल भविष्य की कामना मैंने की है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कामाख्या मंदिर में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की यहां पर, और हरियाणा के उज्ज्वल भविष्य के लिए उन्होंने कामनाएं की हैं। आपको बता दें कि दोपहर बाद मुख्यमंत्री यहां से वापस लौटेंगे दिल्ली के लिए। तो ये बड़ी खबर और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कामाख्या मंदिर की ये तस्वीरें, और यहां पहुंचकर मुख्यमंत्री ने कहा कि मां कामाख्या के चरणों में आने का सौभाग्य मिला है और हरियाणा के उज्ज्वल भविष्य की कामना मैंने माता से की है। मेरा ये परम सौभाग्य है कि सिद्धपीठ मां कामाख्या के चरणों में आज शीश नवाने का मुझे अवसर मिला है, मौका मिला है। मां कामाख्या ने आज अपने यहाँ चरणों में आने का सौभाग्य दिया है। मैं पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों के उज्ज्वल भविष्य, हरियाणा के लोगों का स्वास्थ्य उत्तम रहे और हरियाणा विकास की नई नई बुलंदियों को छूता रहे, मैं ऐसी मां कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता हूं। पूरा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की और नई बुलंदियों को छूता रहे। दुनिया में जिस प्रकार से भारत एक नई ऊर्जा के रूप में उभर करके आया है, नई शक्ति के रूप में उभर करके आ रहा है, और गति से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2047 तक ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने, उस विकसित राष्ट्र में हमारा हरियाणा का भी पूरा शक्ति के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ 2047 तक विकसित राष्ट्र में अहम भूमिका अदा करेगा। मैं आज जब मां कामाख्या के चरणों में आया हूं और मैं देखता हूं हमारे यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जो ईमानदारी से इस प्रदेश को गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, यहां के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं के ऊपर हेमंत बिस्वा जी बड़ी मजबूती से डबल इंजन सरकार के साथ मिलकर के यहाँ पर विकास की एक नई गति को देने का काम कर रहे हैं। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य